हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रुपेंद्र। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में। ये क्या होता है और इसके कारण और लक्षण क्या है, चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट डेवलप कैसे होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं हम आपको वीडियो के। तो आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस का सफ़ेद होना ही मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? दोस्तों, जब लक्षण की बात आती है तो लक्षण इसके रोशनी से जुड़े होते हैं। जैसे यदि आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है या आपको तेज रोशनी यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में कम दिखने लगता है, या फिर कम रोशनी यानी डार्क रूम या कम रोशनी में आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता है, तेज रोशनी में अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, या फिर इसके विपरीत यानी कि कम रोशनी में ज़्यादा दिख रहा है, तो ये दोनों ही मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे आपको मल्टीपल इमेजेस नज़र आती हों, खासकर रात के टाइम अगर किसी चांद को या किसी लाइट को देख रहे हो, मल्टीपल इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो ये भी मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों, एक कॉमन लक्षण भी देखने को मिलता है जो कि आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है, जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर बदलना। अगर आपके चश्मे का नंबर 2-4 महीने में बदल जा रहा है तो ये भी मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ही रोशनी कम हो जाती है, तो ये भी मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, मोतियाबिंद होने के कारण क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 85% या 90% जो मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट होता है वे एज रिलेटेड होता है। जनरली हमारी आंखों में 50 साल के बाद कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से आंखों के अंदर जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस होता है उसमें धुंधलापन आने लगता है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि उम्र के साथ ही धुंधलाता है। दोस्तों, कभी कभी मोतियाबिंद के और भी कारण हो सकते हैं। यदि शरीर में कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर किसी तरह का मोटोपैलिक इनबैलेंस होता है, जैसे हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम का ज़्यादा होना। दोस्तों, बहुत तरह के ऐसे कारण होते हैं जिसमें मोतियाबिंद हो सकता है। दोस्तों, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो इलाज से जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है, दोस्तों किसी भी कारण में स्टेरॉइड आमतौर पर दिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे अस्थमा में दिया जाता है, एलर्जी में दिया जाता है। स्टेरॉइड का सेवन करने से भी मोतियाबिंद हो सकता है। और दोस्तों, कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जिनका सेवन करने से मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आँखों में चोट लगी हो, कभी कोई या किसी प्रकार का आँखों का ऑपरेशन हुआ हो, जिससे कि मोतियाबिंद हो सकता है। और दोस्तों, कभी कभी यंग एज में भी मोतियाबिंद हो जाता है, जिसके पीछे कोई और कारण नहीं होता। सब कुछ ठीक होने के बाद भी मोतियाबिंद हो सकता है, और बच्चों में भी कैटरेक्ट हो सकता है। यदि बच्चे में किसी तरह की बीमारी रही हो या फिर बच्चों की आंखों में चोट लगी हो तो मोतियाबिंद हो सकता है। और दोस्तों, कभी कभी देखने को ऐसे भी केसेस आते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है अगर उसकी आंखों में मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट है, तब देखा जाता है गर्भ के समय माँ को कोई बीमारी रही हो, जैसे डायबिटीज या फिर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। दोस्तों, इसके इलाज की बात की जाए, दोस्तों मोतियाबिंद का यानी कैटरेक्ट का मेडिकल में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर एक बार आंखों में मोतियाबिंद बन गया तो धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, जिसमें लेंस सफ़ेद हो रहा है उसका बदलना अनिवार्य है। दोस्तों, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से 15 से 20 मिनट में ही लेजर द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है। दोस्तों, मोतियाबिंद के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं,
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।